सर जी मैं आपको एक चीज भेजता हूँ व्हाट्सएप पे। ये क्या होता है? ये काला पिरामिड होते हैं। कैसे है? एक्चुअली इसके फार्मूलाज हैं, सही है। तो अगर आपको फार्मूला, रेक्टेंगल का फार्मूला आता है, रेक्टेंगल का या स्क्वायर का फार्मूला अगर आपको आता है, ओके, ट्रायंगल का फॉर्मूला स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता? लेंथ इनटू वेथ। यस, लेकिन स्क्वायर में आपके सेम साइड्स होते हैं तो वो स्क्वायर हो जाते हैं, वहाँ पे एल स्क्वायर हो जाते हैं। और आपको ट्रायंगल का फार्मूला आता हो, सो यू कैन इजीली फाइंड दी एरिया ऑफ पिरामिड। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है? अच्छा, ये वाला, ये एरिया या सरफेस एरिया है? अच्छा, वॉल्यूम है। अच्छा, यहाँ पे आपने इस तरह करना है कि इसकी वो ये फार्मूला आपने या तो याद करना है, इसको इसकी डेरिवेशन है थोड़ी सी, डेरिवेशन कर लूँ, जी डेरिवेशन है इसकी थोड़ी सी, अच्छा, तो कैसे करना? या आप इस तरह कर लो, ये फार्मूला याद कर लो। वन बाई थ्री इंटू बी है। या 1/3 इंटू बी एच, एच इज द हाइट एंड बी इज द बेस। 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट। यस, तो ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है वॉल्यूम का? क्या किसी पेरीमीटर का फॉर्मूला? नहीं, पैरामीटर का नहीं है, ये वॉल्यूम का फार्मूला है। वन वन बाय डिवाइड बाय थ्री। बी एच। अच्छा अच्छा, अब फिर इसमें वो करते हैं, अक्सर वो टीचर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेता है और टीचर कहता है कि स्लैंट हाइट वो आपको दे देता है, ओके, इंस्टेड ऑफ दैट हाइट स्लैंट हाइट आपको दे देता है और आपसे पूछता है कि फाइंड दी वॉल्यूम, ओके। सो स्लैंट हाइट से फिर आप वो बेस भी आपको दे देता है, तो स्लैंट हार्ड से इसको आप फिर फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके। उस फार्मूले से फिर आप स्लैंट हाइट फाइंड कर सकते हो, लाइक योर कैसे? स्लैंट हाइट, हमें लंच दी तो नहीं है? स्लैंट, इफ स्लैंट हाइट इज गिवन टू यू देन दैट्स विल बी इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर हो जाएगा, ओके, एंड स्क्वेयर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से आप फिर एच को फाइंड कर सकते हो, इफ एच इज नॉट गिवन टू यू, ओनली स्लैंट हाइट, इंस्टेड ऑफ दिस हाइट स्लैंट हाइट इज गिवन टू यू, सो फ्रॉम दिस फार्मूला यू कैन इजिली फाइंड दिस हाइट एंड देन यू विल यूज दिस फार्मूला, दैट इज 1/3 इंटू बी वट इज ए, ये ए नहीं है इस तरह, ये नीचे सबस्क्रिप्ट में एरिया है, बेस एरिया इनटू हाइट, दिस हाइट बेस एरिया बेस नहीं होती? जी। बेस एरिया बेस नहीं होगी? यस, लेकिन ये क्या है, बेस आपका जरूरी नहीं कि जी एरिया ही होगा, बेस आपका मैं कह है रहा, बेस एरिया बेस ही नहीं होती? या ये एरिया, एक्चुअली दिस इज दैट दिस एरिया, ये आपके पास रेक्टेंगल है तो आपने रेक्टेंगल के एरिया लेना है, ये आपके पास, अच्छा, तो बेस एरिया रेक्टेंगल एरिया। या ये नीचे जो बेस है ना, इसका पूरा एरिया आपने फाइंड करना है, दैट्स विल बी बी एल, इफ दिस लेंथ इज बी
एंड दिस लेंथ इज एल देन दैट विल बी बी एल टाइम्स एच करना है आपने। अच्छा इसका सरफेस एरिया क्या होगा? वॉल्यूम तो ये हो जाएगा इसका, इस पायरामिड का रेक्टेंगल का। यस तो जैसे आप वॉल्यूम निकाले तो आपने 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट किया, तो अगर वैसे एरिया वही एरिया का फॉर्मूला जो यूजली निकालते हैं लेंथ इनटू वेथ। नहीं यहाँ पे इफ द क्वेश्चन इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस पिरामिड, सर इफ द क्वेश्चन इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस पिरामिड, सरफेस एरिया नॉट द वॉल्यूम। सरफेस एरिया या मगर सरफेस एरिया नॉर्मल एरिया नहीं होता, जैसे 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट ट्राइंगल का हो गया। यस वो तो आपका एक स्लाइस था गिवन है आपको ट्राइंगल का एक ट्राइंगल और फिर रेक्टेंगल का लेंथ इनटू वेथ होगी। यस और इसका क्या होगा? इसका सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया भूल गए हो आप? सुमैया से पूछ लो, आपकी आवाज नहीं आ रही, स्लो आ रही है काफी। नहीं इसका वॉल्यूम नहीं निकालना, इसका आपने सरफेस एरिया निकालना है। आपकी वॉइस काफी स्लो आ रही है। वही करेंगे जैसे नॉर्मल ट्रायंगुलर स्क्वायर का करेंगे सरफेस। एक्चुअली व्हाट इज मीन बाय सरफेस? अगर साइड पे हम एल लिखेंगे एक्चुअली इट मीन्स दैट द एरिया ऑफ दिस सरफेस दैट इज एल स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ दिस सरफेस दैट इज आल्सो एल स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ दिस सरफेस दैट इज आल्सो एल स्क्वायर प्लस ये वाला साइड, ये इस साइड पे जो है दैट इज एल स्क्वायर, ये वाला साइड यहाँ से ये वाला दैट इज एल स्क्वायर और बेस वाला नीचे। सो द सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब विल बी इक्वल टू 6L स्क्वायर। जी तो दिस इज सरफेस एरिया पेरिमीटर की तरह होता है, बस स्क्वायर करनी होती है सारी साइड को फिर ऐड कर देते हैं। एक्चुअली पेरिमीटर में हम डिस्टेंस लेते हैं, लाइक दैट्स द यूनिट विल बी इन मीटर बट एरिया यूनिट विल बी इन मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम यूनिट विल बी इन मीटर क्यूब। सही अच्छा सो इसी तरह पिरामिड का सरफेस एरिया आपने किस तरह फाइंड करना है? सो इफ यू वांट टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड देन दैट शुड बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द बेस। ओके लाइक इसको आप खोल लो तो ये आपका कुछ इस तरह का बन जाएगा। पिरामिड को आप खोल लो सो ये आपका कुछ इस तरह बनेगा। अच्छा Am I right? अच्छा ये आपका क्या होगा? ये ट्राइंगल है। ये आपका क्या हो जाएगा? This will be the slant height, okay? Slant height. Yes. Okay, और ये आपका बेस हो जाएगा। So for finding the surface area of this pyramid, तो आपने क्या करना है? Base का area लेना है। Let's say this is हमने surface area निकालना है। Yeah, so आप सारे L sides को add करेंगे, L एक जो L square plus L square,
plus L square, 4L square हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? आंसर दिस इज स्लैंट हाइट इज रिप्रेजेंट बाय एस. अपने प्लस हाफ एल क्यू किया पे. एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? तो एल एरिया है. एल इज द बेस. एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? भूल गए हो आप. ये फॉर्मूला होता है 1/2 डिवाइड बाय 2 बेस इनटू हाइट. या तो बेस अगर ये एरिया तो निकाल रहे हम. सो एरिया हम इसलिए निकाले कि दिस इज द सरफेस एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द सरफेस एरिया. सो सरफेसेस जितने भी सरफेसेस आपको एक्सटर्नली नजर आ रहे उनका आपने एरिया फाइंड करना है. दैट इज नोन एज सरफेस एरिया. जैसे बेस दिया हमने हमें. अच्छा बेस का हमने ट्रायंगल है जो हमने हाफ करके करना है. L square plus half L square plus half L square plus half L square. No, L is the base. This is base and this is height. So the area will be equal to 1 divided by 2 BH ho jayega in this 2 case. Base into height. So in this case, base is L. So this will be L and H. H is this slant height. So this slant height will be S and this is 1 divided by 2. Got it? Okay. So surface area क्या हो जाएगा? Surface area will go to L square plus इन सब को आप add up कर लो, you will get 2LS. Got it? ये L square जो आपने लिखा हुआ है, ये सब square का L square है ना? शुरू में लिखा है जो half नहीं है. Yeah. This is the square का area. Got it? जी. Okay. और अच्छा इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर है. ओके लास्ट टाइम हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए थे. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 एरिया ऑफ ए सेक्टर. ओके सो एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या हो जाएगा? एरिया सेक्टर ही है जी. Q divided by 360 plus arc length plus 2R. यही था ना? अच्छा ये भी उसी तरह करना है जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था. लास्ट टाइम इफ यू वांट टू फाइंड दिस डिस्टेंस. ओके इफ यू वांट टू फाइंड दिस डिस्टेंस देन दैट विल बी ए बी डिवाइड बाय सर्कमफेरेंस टोटल डिस्टेंस. That is 2 pi r. That's equal to this angle divided by 360 degree. So, इसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, if you want to find the area of this, अगर area finder करने फिर क्या होगा? So, if you want to find the area of this sector, okay. So, what you will do? You will take area equals to q divided by 360. Q divided by 360 into pi r square. That's 2R. ऐसे ही था ना? टू आर आप क्यों कर रहे हो? वही था. 2R क्यों करना है आप? तो फिर 2R किस पे था? 2R हम पैरामीटर में लेते हैं. एक्चुअली जिस तरह हम लास्ट टाइम हमने लेंथ फाइंड किया था ना कि लेंथ ए बी लेंथ डिवाइड बाय हमारे पास 2 पाई आर हो जाएगा. सो इन दिस केस यू आर
for area, what you will do? You will find the area of AOB. Acha, if you want to find the length of arc AB, okay. So last time हमने क्या किया था? AB length divided by circumference हमने लिया था. Similarly, in this case, what you will do, if you want to find the area of this sector AOB, then you will take it like area of sector AOB divided by total area of the circle. That should be equal to theta divided by 360 degree. उसी तरह करना है जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था. जैसे एरिया इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाय 3 इनटू 2 पाई इनटू पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर आपका ये हो जाएगा. दिस इज द टोटल एरिया. एरिया डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाय 360 और दूसरा था क्यू डिवाइड बाय 360 इक्वल्स टू AB divided by not pi r square. वहाँ पे आपने length find करने, if you want to find the length of AB, then AB length के लिए आपने ये total length लेना. 2 pi r circumference हो जाएगा. Angle ADC is approximately 96.8 degree. ACD. ACD. Okay, ACD means AB equals 19, DC 15, ABC equals to DCB. PRC is an arc of a circle center A and PYC is a center. Show that ADC is approximately 96.8 degrees and find the area of the shaded region. You can carry parallel there. B वाला जो होता है वो भी 90 डिग्री होगा. फाइंड द एज ऑफ ये तो इजी है, काफी इजी है मुझे लग रहा है सर. आपको भी लगना चाहिए ऐसे ही. जैसे 90 आ गया, उन्होंने कहा शो दैट इट इज अप्रोक्सीमेटली 96.8. इसमें कोई एंगल है जो मैच कर रहा है? कोई ऑल्टरनेट इंटीरियर, जैसे ये सी जो एंगल है हमारा डीसीबी कर लेते हैं. डीसीबी वो इक्वल नहीं करता है, जैसे क्या कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल ए के साथ जो होता है. Alternate interior नहीं है वो दोनों. Show that yeah. ADC. अच्छा ADC. Okay okay. This angle. Mid is D. Mid में जो alphabet होगा वो आपका angle होगा. So this angle is 96. We need to find this theta. 0.8. Yes. अच्छा this length is. Okay. This is 15. Not easy. Actually, this is not a right angle triangle, so you will not use the Pythagoras. You will not be able to use the Pythagoras theorem and the sine formula. Sine is equal to. वो सारे formulas आप यहाँ पे use नहीं कर सकते. But actually अगर हम इस तरह कर लें कि ये मेरे पास अब नीचे आपका ऊपर आपका ट्राइंगल बन गया. ओके एंड दिस लेंथ इज 4, दिस इज 15 और 15 माइनस 19 क्या, दिस इज 50 या 19 माइनस 15 इज 4. ओके और ये लेंथ आपका कितना हो जाएगा, दिस इज 15 सो दिस विल आल्सो बी 15. ये ऊपर है आपका, ये 15 हो जाएगा. And if this is 19, so this will also be 19. ये आपका 19 हो जाएगा. Okay, we need to find this angle. ये angle तो मेरे पास 90 degree आ गया. So 90 is 96.8 है. Yes, 96.8 है, but I will need to find this angle theta.
थीटा एंगल मैंने फाइंड करना है, तो थीटा एंगल आपको क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा साइन, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर इज 4, हाइपोटेन्यूज इज 19 प्लस 15 से क्या आता है, 19 प्लस 15 दैट्स इक्वल टू 34, तो सम पीपल हैव 4 डिवाइड बाय 34 से क्या आता है, अब आपने साइन इनवर्स इसके लेना है, सो यू विल गेट 6.75। सो इस यहाँ पे 6.75 कर लो, सो दैट विल इक्वल टू 96.75 डिग्री। अच्छा सर, यस, वो जैसे हमने जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था उसके और तरह से क्वेश्चंस कैसे आते हैं जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था व्हाट्सएप पे, वो आगे आ रहे हैं ना, अब हम करेंगे इस चैप्टर के बाद शायद वो आ जाए उस टाइप के क्वेश्चंस, तो वो हम फिर सॉल्व कर लेंगे। कोई अनाउंसमेंट, क्योंकि ये चैप्टर तो खत्म कर लिया इसी चैप्टर में ना, मतलब सर ने ये चैप्टर खत्म करा दिया, सर ने ये चैप्टर खत्म करा दिया है 10 एक्सरसाइज 10 राइट, तो ये चैप्टर हम अभी आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, एक्चुअली वो थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो आप ये बेसिक्स थोड़े वो आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उसके बाद हम उस क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे, आप डायरेक्ट अगर हम जंप कर ले उस क्वेश्चन पे तो वो काफ़ी मुश्किल होगा फिर। जब अनाउंसमेंट हो जाए सर, कोई टेस्ट का अनाउंसमेंट कर ले, देन यू शुड अपडेट मी। ओके, अच्छा, हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वो एंगल आपके पास आ गया, तो आपने निकाल दिया कि 90 है, तो अब कैसे 6.5 भी निकाल दिया आपने प्लस क्यों, तो वो तो मैंने 96.5 वो हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट पे हैं हम, सो सेकंड पार्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये एंगल है हमारे पास, पास एंगल आ तो गया, यस अभी एंगल आ गया, वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो दिस इज शेडेड रीजन, अच्छा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये यस, अच्छा ये एंगल भी आपका 90 डिग्री है, ये देखो ये थोड़ा सा वो हाइलाइटेड नहीं है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 96.8 एरिया sum of all angle in a rectangle is equal to 180. अच्छा rectangle का 360 होता है, तो 360 minus 90 minus 96.8 theta will be equal to theta, तो ये कर लो, ये आपका हो जाएगा 83.2। सो अभी कुछ आ रहे हैं आपके माइंड में कि क्या करना है, यहाँ पे कुछ कुछ आ रहे हैं आपके माइंड में, हमने एंगल्स तो निकाल दिए ना सारे, यस एंगल सारे निकाल लिए हमने, हमने पास 15 इसका भी एरिया आ गया, अभी हमने ऊपर वाली रीजन का एरिया नहीं दिया हुआ, नहीं तो ऐसे नहीं होगा कि कोई एंगल जो इधर है, पता है 15 हम ट्राइंगल टाइप शेप नहीं यूज कर सकते पी डी सी को,
एक ट्राइंगल की तरह, या ए बी पी को हम ट्राइंगल की तरह यूज कर सकते हैं? सर ट्राइंगल की तरह किस तरह आप यूज करोगे? जैसे हम वो सेन वाला फॉर्मूला लगा देंगे कॉस का, एक साइड को पता कराने के लिए। नहीं वो एक्चुअली यहाँ पे आपका वो आपका ये ट्राइंगल बन ही नहीं रहा, यहाँ पे आप किस तरह ट्राइंगल वो कर रहे हो? तो फिर कैसे करना? एक्चुअली इसमें हम इस तरह करते हैं कि एक एंगल आपका 96.8 डिग्री आ गया, दूसरा एंगल आपका 83.2 डिग्री आ गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नीड टू फाइंड दिस एरिया। ये एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ दिस सेक्टर पी डी सी दैट्स विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जिस तरह वो फार्मूला था पाई आर स्क्वायर टाइम्स थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री हो जाएगा। अपने इसको सर्कल पे तौर पे जो यूज किया, एक्चुअली ये आपका रेडियस आपका गिवन है, दिस इज रेडियस, और ये आपका कुछ इस रेडियस के लिए लिखा हुआ है, लिखा नहीं है लेकिन ये आपका रेडियस ही बन रहा है, ये देख लो। तो ये एक्स सेक्टर आपका बन हुआ है। सो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सो 3.14 टाइम्स आर इज 15 स्क्वायर टाइम्स थीटा इज 96.8 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री कर लो। इसको भी सॉल्व कर लो, ओके इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। एरिया ऑफ 96.5/360 और हमारा रेडियस था 7.5 था ना? रेडियस 15 था, 19 square. इससे क्या आ रहा है? ऊपर से क्या आ रहा है? 12.66. इस दूसरे का कर लो 19 square है, मतलब 15 तो नहीं आ रहा, वो 189.96 आ रहे हैं। ये किस तरह कैलकुलेशन कर रहे हो आप? 189.97 आ रहा है ये वाला। चलो ठीक है, क्या कर रहे हो? कैलकुलेटर कर रहा, मगर जब जब मैं जूम से निकल के कैलकुलेटर पे आता हूँ तब स्क्रीन शेयर वो थोड़ी टाइम लगता है उसको नजर आने में। अच्छा, एक्सटर्नल कैलकुलेटर नहीं है आपके पास? तो फिर बस पता नहीं अभी कहाँ, उसको अपने पास रखा करो, वो आपकी काफी हेल्प करेगा। ओके एक एरिया आपके पास आ गया, दैट इज 189.97 मीटर स्क्वायर, एंड सेकेंड एरिया इज 261.97 मीटर स्क्वायर। सो द सेकेंड एरिया इज दिस वन, ओके। सो अब क्या हो जाएगा टोटल एरिया, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? दैट्स विल बी इक्वल टू टोटल एरिया माइनस एरिया पीडीसी माइनस एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो दैट्स विल बी इक्वल टू टोटल एरिया माइनस एरिया पीडीसी माइनस एरिया एबीपी। तो दिस इज ए बी पी एंड दिस इज पी डी सी, तो वो एरिया माइनस करो तो आपके पास वो आ जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बट द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी माय टोटल एरिया, सो टोटल एरिया को आपने किस तरह फाइंड करना है? अच्छा ये शेप आपको क्या लग रहा है, आपके माइंड में कुछ आ रहे हैं कि ये शेप किस तरह? टोटल एरिया ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम है, गुड। सो ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या होता है? ट्रेपीजियम का था समझिए से पूछ लो, रिया था वही था ना ट्रायंगल रेक्टेंगल का, मगर माइनस करते एक साइड से, जैसे
19 minus 4, 15 into 15. Sum of the half of parallel side times height, half of the height. Height kya ho jayega in this case? Height aapka ho jayega 8, 15. यहाँ पे देख लो तो हाइट कितना है? हाइट तो आपको गिवन ही नहीं है यहाँ पे. एक्चुअली ट्रेपीजम आपका कुछ इस तरह का होता है. सो दिस विल बी योर हाइट, दिस विल बी योर ए एंड दिस विल बी योर बी. ए एंड बी विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर. तो यहाँ पे देख लो तो 19 एंड 15 इज ऑलवेज इज पैरेलल टू ईच अदर. इन दिस केस 15 एंड 19 इज पैरेलल टू ईच अदर. सो दिस विल बी योर ए एंड बी. 15 प्लस 19 आपके ये आ जाएगा. हाइट हमें गिवन नहीं है, हाइट को हमने फाइंड करना है. हाइट 19 ही है, ये आपका हाइट है. दिस इज योर हाइट. अगर 19 को आप ले रहे हो तो इसके साथ पैरेलल साइड भी है. ए भी आपने फिर कौन से लेने हैं? ए और बी आपके हमेशा पैरेलल साइड होंगे. ओके, हाइट विल बी परपेंडिकुलर टू ए भी होगा. ए डी बी सी से पैरेलल नहीं है? नहीं, बिकॉज ए बी पैरेलल टू डी सी लिखा. अच्छा, ए बी AD BC से पैरेलल नहीं है. AD is not parallel to BC. इस तरह कर लेते हैं कि ये लेंथ फाइंड कर लेते हैं. ओके, सबसे पहले AB और DC को पैरेलल लेंथ ले लें. किस किस को? क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है दोनों पैरेलल है. कहाँ पे लिखे? AB is parallel to DC. या तो वो तो मैंने ले लिया. पहले लाइन A B parallel to DC, so that's why A and B are parallel to each other. तो 15 plus 19 हो गया, वो तो मैंने ले लिया already. आगे आप height निकालनी है ऊपर की. तो यहाँ पे क्या जाएगा? 15. This is base. 34 नहीं आता? 34 आता है. तो ये आपका 34 हो जाएगा. हाइपोटेन्यूस आपका 34 हो जाएगा. बेस आपका क्या हो जाएगा? तो 34 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो 34 स्क्वायर फाइंड कर लो. दैट्स विल बी इक्वल टू 115 स्क्वायर. माइनस 16 कर लो. 115 33.7 आ रहे. तो योर हाइट इज 33.76. तो 0.25 को हमने बस को इसको निकाल इसको 30. सो इसको सॉल्व कर लो. सो फ्रॉम दिस यू विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. वो आपने यहाँ पे पुट करने. सो फ्रॉम दैट यू विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. इसका आंसर गिवन नहीं है, वरना करेक्शन भी हो जाता. अच्छा, ये एक्सरसाइज फिर हम नेक्स्ट क्लास से फिर स्टार्ट ले रहे हैं.